हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पिनेशा ट्यूटर। फ्रेंड्स आई एम अगेन बिफोर यू विद अ वेरी हॉट टॉपिक दैट इज देवस फ्रॉड केस दैट इज हाउंटिंग नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इंटरनेशनली इंडियन गवर्नमेंट ये अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये असुर है देवस बनाया गया था लेकिन यह असुर निकला सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा देवस मल्टीमीडिया के लिए फ्रेंड्स इस पूरे इंफॉर्मेशन को जानने के लिए आप एंड तक हमारे साथ बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे और जानने की कोशिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि देवस मल्टीमीडिया देव बनाया गया था लेकिन ये तो असुर निकला पर क्यों कहा और क्यों देवस मीडिया ने इंटरनेशनली कनाडा में फ्रांस में इंडियन गवर्नमेंट के जो एसेट है उन्हें सीज करने का उन्हें एक्वायर करने का फरमान इंटरनेशनल कोर्ट्स में जारी करवा दिया है ये क्या मामला है पूरा आओ आगे बढ़ के इसको समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स आपने देखा होगा अभी सुप्रीम कोर्ट ने द हाइएस्ट कोर्ट है आपकी उन्होंने देवस मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड को एक फ्रॉड कहा है एक असुर कहा है और कहा है कि जिसका जिसको बनाने का जो सोच था वही जहरीला हो प्रोडक्ट भी जहरीला ही होगा पर क्यों कहा ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक केस जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया था उसके खिलाफ एक सुनवाई चल रही थी और सुनवाई में यह था कि दावस मल्टीमीडिया की लिक्विडेशन पर अंतरिक्ष कारपोरेशन ने यानी कि अंतरिक्ष ये इसरो की एक कमर्शियल आर्म है उसने केस लगाया था नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में कि इसको लिक्विडेट कर दिया जाए क्योंकि ये कंपनी पूरे फ्रॉड पे बनी है उस समय नेशनल कंपनी लॉ ने डिसीजन इसको लिक्विडेट करने का दे दिया था तभी इसको एक सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा होगा रिसेंटली देवस के लिक्विडेशन को जस्टिफाई किया है अब इस जस्टिफिकेशन से क्या इंटरनेशनली इंडिया की साख बचेगी या नहीं बचेगी हम इस पर भी बात करते हैं पर सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये देवस मल्टीमीडिया इशू इश्यू क्या है फ्रेंड्स देवस मल्टीमीडिया कॉरपोरेशन एक स्टार्टअप था जैसे आजकल आपने देखा होगा सिक्सटीन जनवरी को स्टार्टअप डे बनाने की बात की गई है उसी तरह से एक स्टार्टअप बनाया गया था 2004 में स्टार्टअप था किसलिए जी तो इसने ये स्टार्टअप बनाया गया था कि इंडिया के दो सेटेलाइटों को ये ट्वेल्व इयर्स के लीज पर लेगा और इंडिया में मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ऑडियो एंड वीडियो सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करेगा लेकिन ये पूरा जो पूरा जो प्रोसेस था वो फ्रॉडलिप्त था अब देखो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दावोस में एक इंप्लॉई क्लर्कल लेवल का क्लर्कल लेवल का एम्प्लॉई डील साइन करता है अंतरिक्ष से जिसे कुछ नहीं पता साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई क्या इसको आप इस डील साइन करने के लिए ही आपने बनाया

उसका पौधा भी गलती होगा यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब आगे बढ़ते हैं यह जो पूरा डील है यह यूपीए की सरकार के समय मनमोहन सिंह की सरकार के समय का डील है और उन्होंने एस बैंड में दो सेटेलाइट इसरो के लीज पे लिए बारह साल के लिए अराउंड वन सिक्सटी सेवन करोड़ की डील उस समय हुई थी और दावस मल्टीमीडिया ने यह डील अंतरिक्ष से की एक इसरो की कमर्शियल आर्म है अब पूछो कमर्शियल आर्म यानी कि जो इसरो के जो सर्विसेज हैं चाहे वो लॉन्च पैड है चाहे उसके रॉकेट सिस्टम है चाहे रिमोट कंट्रोलिंग सेटेलाइट सिस्टम के डाटा है उसको ये बेचने का काम करती है तो उस समय ये 2005 में डील हुई थी बाद में ये डील 2011 में इसमें बहुत सारे फ्रॉड के केस आए और इसलिए इस डील को 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने कैंसिल कर दिया जब ये कैंसिल कर दिया गया तो इस पूरे डील को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया पहले लोअर कोर्ट्स में चैलेंज किया वहां पर डाबोस जो है हार गया लेकिन डाबोस इस केस को लेकर इंटरनेशनल आर्बिट्री कोर्टों में चला गया वहां पर ये केस जीत गया उस समय डाबोस के इस केस को सही से फॉलो नहीं किया गया जब देवास के आगे आगे जब उसकी नहीं चली तो उसने उस आर्बिट्रेशन जजमेंट को अलग अलग देशों के कोर्टों में जाकर लागू करवाने के लिए अपील करनी शुरू कर दी आपने सुना हुआ कैनेडियन एक प्रोविंस ने क्यूबेक ने वहां की जो सुपीरियर कोर्ट थी उसने उसने थर्टी मिलियन यूएस डॉलर की कंपनसेशन जो है वो देवस को दी है बाय अटैचिंग एयर इंडिया के प्रॉपर्टियों को इन्होंने कहा है कि एयर इंडिया जो है इंडियन गवर्नमेंट का ही ब्रांच है इसलिए आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को बेचकर अपने पैसे वसूल लो उसी तरह से एक और फ्रांस के कोर्ट में फ्रांस के कोर्ट में इंडियन डिप्टी चीफ ऑफ मिशन यानी कि जो हमारे डिप्लोमेट्स बाहर रहते हैं उनके जो घरों को वो इंडियन गवर्नमेंट ने खरीदा होता है तो उनके हाउस को अटैच करके बेच के, के लिए फरमान जारी किया है इतनी इंटरनेशनल बेचती करवाने वाला कौन है तो ये दावोस मल्टीमीडिया है और दावस मल्टीमीडिया ने इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं इनके रूल्स ऑफ आर्बिट्रेशन को हवाला देते हुए हमारे खिलाफ इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर दिया और उन्होंने एक एडवाइजर हायर किया जे न्यूमन को इन साहब को हायर किया जे न्यूमन को और इन्होंने यह साबित करने में लगे हुए हैं कि जो इंडिया है इन्वेस्टमेंट के लिए सही जगह नहीं है विदेशी लोग जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं इंडिया में पैसा ना लगाएं क्यों क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अपने एजेंसियों का यूज करके विदेशी इन्वेस्टमेंट को फ्रॉडली दबाने की कोशिश करती है खाने की कोशिश करती है ये इसमें साबित करने की कोशिश करते हैं जे न्यूमन साहब आगे बढ़ते हैं कहते आप सोचो कि ये दावोस कंपनी इंडिया में और इन्होंने केस इंग्लैंड में फ्रांस में कैनेडा में अमेरिका में क्यों कर दिया एक्चुअली दावोस मल्टीमीडिया में तीन ऐसे शेयर होल्डर थे जो विदेशी थे जैसे आप देखो दावस मोरिशियस टेलीकॉम दावस मोरिशियस देवस इंप्लाई मोरिशियस प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने जे न्यूमन को हायर करके ये सारा केस इंडिया के खिलाफ करवा रहा है और इन्होंने जे न्यूमन ने इंडिया को साबित करने में लगाया है पूरा जोर कि इंडिया जो है वो एक ऐसा देश है जहां इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल नहीं है इसी बात पर समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये अंतरिक्ष ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई इसरो क्या है तो आपको पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है 1969 में बनाई गई थी और इसका मकसद ये था कि इंडिया को स्पेस में रिसर्च करना और अलग अलग टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने की कोशिश करना और आपने देखा होगा इंडिया ने पी में माहिर कर ली जी एस एल में महारत हासिल कर ली इंडिया ने मंगलयान मॉम को छोड़ा इंडिया अब गगनयान प्लान कर रहा था इंसानों को चांद पर ले जाने की बात कर रहा है इंडिया का इतनी सारी अचीवमेंट ये इसरो के ही देन है और इंडिया के पास अपने खुद के सेटेलाइट के ही देन है इन्हीं की जो वो दूसरे खरीद सके दूसरे इंजॉय कर सके उन सर्विस को जो अंतरिक्ष है जिसे नाइनटीन में बनाया गया था ये मार्केटिंग करता है इसका और, और क्या क्या काम है हम देखते हैं जरा अंतरिक्ष का और काम है जैसे कि इन सेटेलाइटों को उनके ट्रांसपोर्टरों को वेरियस यूजर को बेचना लॉन्च सर्विसेज यानी कि रॉकेट फैसिलिटी प्रोवाइड करना दूसरों को उनके डाटा को रिमोट सेंसिंग डाटा को मार्केटिंग करना यानी कि रिमोट सेंसिंग डाटा वो डाटा होता है जो बहुत क्लोज ऑफ अर्थ को समझता है चाहे मिनरल में उसकी चाहे अर्थक्वेक में चाहे नेशनल डिजास्टर में जो डाटा होता है काफी इंपॉर्टेंट होती है और कहते हैं ग्राउंड सर्विस ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना उन्हें प्रोवाइड करना विदेशियों को उन्हें लीज पर देना या उन पर उनको बेचकर उसकी सेवाओं को बेचकर पैसे कमाना यह अंतरिक्ष का काम था फ्रेंड्स ये पूरा मुद्दा जो है फ्रॉड का है और किस तरह से यूपीए के गवर्नमेंट के दौरान जो फ्रॉड हुए और मिलकर सरकार और प्राइवेट लोग मिलकर सरकार को लूटना चाहते थे इंडियन जो दौलत है उसको लूटना चाहते थे उसका एक पराकाष्ठा है हाईएस्ट लेवल की एग्जांपल है और ये अभी भी भूत असुर इंडिया का साथ इंडिया का पीछा नहीं छोड़ रहा 2011 में डील को निरस्त कर दिया गया कैंसिल कर दिया गया तो भी ये भूत इंडिया के ये असुर ये के पीछे पड़ा रहा वो आर्बिट्रेशन कोर्ट में चला गया वहां से फिर निकल कर ये फ्रांस कनाडा जैसे देशों में जाकर उसने केस कर दिया वहां पर केस जीत भी गया और इंडियन गवर्नमेंट उन दिनों ज्यादा इस केस को सीरियसली नहीं ले रही थी अब इंडियन सरकार ने कहा है कि हम इसको अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चैलेंज करेंगे और ये सारे जो जजमेंट होल्ड किया अब सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है शायद इंडिया के केस को थोड़ा और मजबूत करे फ्रेंड्स आज के दौर में मसाला तो चाहिए चाहिए और यूट्यूबर्स पर खासतौर पर मसाला ही बिकता है लेकिन मसाला के साथ साथ नॉलेज भी मिल जाए तो क्या बात है फ्रेंड्स उसके लिए आपको हमारे ट्यूटर को सब्सक्राइब करना होगा और आप चाहे तो हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू और टेलीफोन भी कर सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स